ओके दोस्तों, सो आइए बेसिक एसेंशियल एंड गेम्स में दूसरी गेम देखते हैं। अभी पहली गेम के सिमिलर ही ये दूसरी गेम है, लेकिन पहली गेम में क्या था कि जो ऑपोजिशन का जो किंग था वो सेंटर में था, तो हमें फोर्सफुली उसको कॉर्नर में रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किंग ऑलरेडी कॉर्नर में है, तो यहाँ पे पहला मूव जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम खेलते हैं क्वीन टू A7, ताकि इसका जो किंग है वो सिर्फ यही रैंक में प्लस माइनस कर सकता है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड कर सकता है। तो ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई और मूव खेलते हो तो फिर ये क्वीन, ये जो किंग है वो फिर सेंटर में आ जाएगा, फिर वापस उसको आपको फोर्सफुली एज में ले जाना पड़ेगा और फिर आप उसको चेकमेट कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला मूव है। ओके, तो किंग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो किंग D8 खेलता है, अगर D8 खेलता है या तो फिर F8 खेलता है, कोई मैटर नहीं कर रहा है। अभी हम ये जो क्वीन है उसको एज इट इज रखेंगे और ये जो किंग है उसको हम गेम में लाएंगे। तो किंग G5 ऑब्वियसली वो सिर्फ लेफ्ट और राइट ही मूव हो सकता है, फिर F6, फिर D8, उसने खेला किंग D8, उसके बाद E6, तो उसके पास सिर्फ लेट से वो अगर खेलता है C8, और फिर यहाँ पे वाइट अगर ये मूव खेलता है तो आप देख सकते हो E7, तो ये स्टेलमेट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक किंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कहीं पे भी मूव होने के लिए। तो ये कभी भी आपको नहीं करना है। यहाँ पे हम खेलते हैं किंग टू D6, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और यहाँ पे तीन तरीके हैं उसको चेकमेट करने के लिए। पहला तरीका है क्वीन टू A8 चेकमेट, आप देख सकते हो, या तो फिर क्वीन टू B8 चेकमेट, या तो फिर मेरा बहुत फेवरेट किंग टू क्वीन टू D7 चेकमेट।